हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेरी वेल एंड हैप्पी एट योर होम. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी पंचुअल, बी एक्टिव फॉर योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स. एंड बच्चों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि कौन बच्चा कितना सिंसियर है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. और दूसरी बात ये है कि आपको आपकी ही वीडियो में होमवर्क भी मिल जाएगा. तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. चैप्टर नंबर 6. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. सो मैंने सोचा पहले आपको पोएम करा देते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 भी करा देंगे. ठीक है, तो पहले आपको पोएम आज कराई जाएगी चैप्टर नंबर 6 की. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड कम हियर. दिस चैप्टर नंबर 6, द रिसाइकलिंग रैप, रिटन बाय जॉन फॉस्टर. ओके, so let's start. Listen to me children, hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generations. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling wrap. Okay, तो बच्चों, इस चैप्टर में जो जॉन फॉस्टर हैं ये बोल रहे हैं कि बच्चों मुझे ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों को रिसाइकलिंग शुरू करनी है. एक यही रास्ता बचा है अपने प्लैनेट को सेव करने का, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए. ठीक है, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि हम रिसाइकलिंग करना सीख लें. ठीक है, द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमिनेशन. ये जो गेम है इसका मतलब, इसका नाम क्या उन्होंने बोला, रिक्लेमिनेशन. रिक्लेमिनेशन का मतलब होता है ट्रीटिंग वेस्ट टू मेक इट रीयूजेबल. जो वेस्ट चीज होती है उसको फिर से रीयूजेबल बनाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रिक्लेमिनेशन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pushy footing. मतलब इनका कहना है कि बस बहुत हुआ एडवर्टाइजिंग, बहुत एडवर्टाइजमेंट कर ली है आप सभी ने, अब जो भी करना है हम सबको खुद करना है. बहुत क्लैप ट्रैप हुआ, अब नहीं चलना, अब ना ही आप पुसी ट्रैप करो, ना ही पुसी फुटिंग करो, ना ही क्लैप ट्रैप करो. इसके लिए पुसी फुटिंग मतलब जो रैलीज वगैरह निकला करती थी ना, तो मतलब नहीं सहेंगे उस टाइप का रिसाइकलिंग होने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट तो बेटा सभी करते हैं. इनका राइटर का यही मानना है यहाँ पर कि एडवर्टाइजमेंट सब करते हैं, अगर सब उसको खुद फॉलो करने लगे तो फिर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. तो इन्होंने उसी चीज़ को हम लोगों को जागरूक करा है इस पोएम के माध्यम से. तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है. ठीक है, तो आप लोग भी रिसाइकलिंग करना सीख लो बच्चों. ठीक है, तो अब आप लोगों के पास एक काम है कि आप लोगों को रिसाइकलिंग सीखनी है. ठीक है, और इसका अपने आप में एक मतलब बनता है, इसलिए एक राइटर ऐसी बात कह रहे हैं. और ये बात वाकई में बहुत ज़रूरी है कि
अगर हम लोगों ने रिसाइकलिंग करना नहीं सीखा तो आने वाले दिनों में हमारे प्लैनेट के लिए ये बहुत ही रिस्की है, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें जो अभी हम उपयोग में ले रहे हैं वो चीज़ वहाँ उस टाइम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज अगर आपने वीडियो देख ली है और एक पैरा का आपने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है, तो आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिख दो। ठीक है, और बच्चा आज का आपका होमवर्क है कि आपको इस पूरी जो ये आपकी पोयम है इसको सिंग करके एक ऑडियो बनानी है, और ऑडियो बना करके आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर देना है एज अ इंग्लिश होमवर्क। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।